हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसन। आज हम देखेंगे बिपिन रावत जो है सो उनको इंडिया का जो फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ नॉमिनेटेड किया गया है। आज जो 31 दिसंबर 2019 को वो जो है अज्यूम करेंगे। सो ये है हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। जनरल रावत जो है इज इंडिया का जो फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। सो टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द सीडीएस देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल देखेंगे जो कि अपर एज जो लिमिट फॉर द जो सीडीएस है ये फिक्स किया गया है जो कि 65 इयर्स है। बट सीडीएस का जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो है ये अभी तक कोई फिक्स नहीं है। सो जो सर्विस चीफ है उनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का रहता है और 62 इयर्स रहता है जो व्हिच एवर इज अर्लियर, ये अनचेंज है। बट जो जनरल रावत है उनका जो है ये 62 इयर्स अभी तक हुआ नहीं, बट ये अभी सीडीएस का टेन्योर को क्या है ना अज्यूम करे। सो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीडीएस का चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ है ये क्या है ना प्रिंसिपल, ये क्या है ना ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजरी है जो कि डिफेंस मिनिस्टर को ये तीनों सर्विस मैटर्स को ये प्रेजेंट करेंगे। थ्री चीफ्स जो है विल कंटिन्यू टू एडवाइज करेंगे डिफेंस मिनिस्टर को ऑन द मैटर ऑफ द एक्सक्लूसिव कंसर्निंग देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज। सीडीएस जो है ये ट्राई सर्विस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ये एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा जो कि व्हाइल देयर मिलिट्री कमांड रहेगा विल बी विथ द चीफ ऑफ द ड्यूली जो नोटिफाइड सर्विस है। ट्राई सर्विस का जो एजेंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन से कमांड से रिलेटेड टू साइबर स्पेस है उसका जो कमांड रहेगा वो सीडीएस के पास रहेगा। सीडीएस जो है ये मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भी है एंड डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी ये मेंबर है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।